नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं अयोध्या की कार्यशाला में मौजूद हूं। ये वही कार्यशाला है जहां 1992 से लेकर अब तक लगातार पत्थरों को तराशा जा रहा है। सौभाग्य ये रहा कि अब जो पत्थर तराशे जा रहे हैं उसका इस्तेमाल सीधा राम जन्मभूमि के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो मेहनत पिछले इतने सालों से की गई उस मेहनत का ये नतीजा है कि आज वो मेहनत सफल हुआ। कहते थे कि ना कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना कोई फैसला आया हुआ था, ना ही कानूनी पचड़ा जो है वो शॉर्ट आउट हुआ था, लेकिन उसके पहले से ही यहाँ पे लोगों को इतना ज्यादा विश्वास था कि एक ना एक दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। पत्थरों को जो तराशा गया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो पत्थर तराशे जाते हैं उसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि के लिए किया जा रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, हर एक चीज समझेंगे, लेकिन आज इस पे चर्चा करने के लिए अयोध्या के कार्यशाला से मेरे साथ खुद मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस जगह पे हम मौजूद है अयोध्या कार्यशाला, पत्थरों को भी हम देख रहे हैं, कितनी मेहनत का काम है, इस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसका इतिहास क्या रहा है, क्या कुछ कहानियां हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को देखिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल किया, डिटर्मिनेशन, ये विश्वास कि मंदिर तो बनना ही है और मंदिर बने उसकी तैयारी, ये जो विवादित स्ट्रक्चर जो टूटा उसके बाद से लगातार है। आप देखिए रवि, जरा आप दिखाइए, अभी भी ये काम जो है लगातार वो चल रहा है। एक से एक नक्काशी, एक से एक काम ये कारीगर पिछले 1992 से अब तक यहाँ पे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये कार्यशाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तमाम इन पिलर्स को बनाया जा रहा है। जो पिलर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको यहाँ से उठा करके वहाँ मंदिर में डाल दिया जाता है। मंदिर बड़ा भव्य है और सुप्रीम कोर्ट ने जब 1/3 जमीन के बजाय पूरी की पूरी जमीन जब हिंदू पक्ष को दे दी तो मंदिर के डिजाइन में भी कुछ तब्दीलियां की गई, उसमें कुछ और उसको बड़ा किया गया। बेसिक डिजाइन, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक ही था, लेकिन कुछ और उसको भव्यता प्रदान करने की कोशिश की गई। मंदिर 161 फीट ऊंचा है, मतलब ये बहुत दूर से नजर आने वाला है, सरयू के उस पार से भी नजर आने वाला है। लंबाई इसकी बताई जा रही 380 मीटर और ये जो उसकी चौड़ाई है वो 250 फीट के आसपास है। तो मतलब आप ये समझिए कि भव्य निर्माण हो रहा है। लेकिन सबसे पते की बात क्या है कि आप देखिए, ये जैसे ये पिलर ये बन रहा है जी। ये पिलर कहाँ पे फिट होना है, कहाँ इसे लगना है, किस स्थान पे लगना है, क्या इसमें उकेरा जाना है, क्या इसमें नक्काशी होनी है, ये ऑलरेडी पूरी तरीके से तय है। आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह से एक श्रृंखला है पिलर्स के जी। हर पिलर्स को कुल मिलाकर के 392 पिलर्स इस तरह के बन के तैयार हो गए हैं। बहुत सारे पिलर्स वहाँ भेज दिए गए हैं, बहुत सारे अभी भी हैं जिसमें काम उसमें फिनिश करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए ये जो पिलर अभी जो नजर आ रहा है, इस पिलर में साइड्स में कुछ काम चल रहा है और इसको आगे बढ़ाना होता है तो फिर उसको लेकर, और ये जगह जो है यहाँ पे देवी देवताओं और जो डिजाइन के मुताबिक, जैसे आपको भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ऑलमोस्ट रेडी पिलर है गणपति जी की है, वो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी एक, मुझे लगता है वो हमारे दर्शकों को काफी अच्छा भी लगेगा क्योंकि जो गणपति जी की मूर्ति उकेरी गई है वो वाकई में दिखने में भी काफी सुंदर है। गणपति गजानन को जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से पिलर पे यहाँ पे उकेरा गया है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। और अगर आप पिलर में ऊपर से लेके नीचे तक नजर डालेंगे तो आपको हर कोने कोने में चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइन जो है यहाँ पे नजर आएगा। इसकी डिजाइनिंग भी मुझे लगता है सर बहुत सोच समझ के की गई होगी, क्योंकि इतनी बारीकी से काम करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हर एक चीजों को ध्यान रखना। गणपति जी तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, लेकिन गणपति जी के साथ साथ चारों तरफ जो एक छोटी छोटी चीजें बारीकी से हर एक चीजों का जो ध्यान रखा गया है वो अपने आप में मंदिर को भव्य और दिव्य इसलिए ही बनाता है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत। देखिए इसमें एक और कहानी है जी, इसमें कुछ लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों ने कैसा डिजाइन किया है कि जिसमें उनको एक साथ असेंबल करने में, आप ये समझिए कि ये जैसे बच्चे
स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, चीजों को असेंबल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये किसी दरवाजे के पास के पिलर का है तो इसमें ये ऑलरेडी निकला हुआ है और हर पत्थर जो है उसके ऊपर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और नीचे इसके अंदर छेद है और एक के बाद एक ये पूरा राम मंदिर जो बन रहा है उसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पत्थर के ऊपर पत्थर को रख के इसको जो है पूरा का पूरा खड़ा किया जा रहा है और 44 दरवाजे भी हैं इसमें, तो 44 दरवाजे, 392 पिलर्स और बेसिक स्ट्रक्चर, एक से एक टोटल 3 फ्लोर की मंदिर है और 3 फ्लोर में हर फ्लोर जो है वो 20 फीट का है, 5 मंडपम है। अब ये समझिए कि इतना विशाल ये तैयारी, ये प्लानिंग, ये पहले से आप ये समझिए कि अगर कोई ये सोच रहा है कि 2019 में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद 5 साल में इतना भव्य निर्माण, इतनी सारी नक्काशी के साथ, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये कार्यशाला इस बात का गवाह है कि यहाँ पे तमाम चीजें पहले से डिजाइन, पिलर्स, साइज, क्या नक्काशी, किस तरह का डिजाइन होगा, ये सारी चीजें 1992 के बाद से लगातार चली आ रही है। और आप बीच में खबर सुनते होंगे कि ये सारे जो है ये मंदिर, ये नागर शैली में मंदिर बनाई गई है और ये सारे पत्थर राजस्थान से आए, ये राजस्थान से ये रेड पत्थर जो है वो मंगवाया गया है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई उस तरह की सरकार होती थी, जैसे अखिलेश यादव की सरकार हुई या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई, तो रास्ते से ये जो बड़े बड़े पत्थर आते थे उसको रोक दिया जाता था कि भाई वहाँ क्यों लेकर के जा रहे हो। मुझे लगता है कि जरा आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पत्थरों का जो काम करने का सिलसिला है वो थमेगा नहीं, क्योंकि आप संख्या देखेंगे कि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे काम लगातार चल रहा है। ये टोटल 392 पिलर्स है इसमें जी, और आप ये देखिए कि हर का स्थान भी निश्चित है कि कौन कहाँ जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया जी तो इसमें और भी तेजी लाई गई। यहाँ जो लोग पहले आते थे यहाँ पे देखते थे तो बहुत बार बीच में निराशा भी होती थी, इतनी सारी राजनीति होती थी, मन में कभी कभी ये डाउट भी होता था कि मंदिर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। कांग्रेस पार्टी की 10 साल की सरकार रही यूपीए के दौरान, सरकार बिल्कुल इस मंदिर के पक्ष में नहीं थी। यहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी, वो भी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, उनके मंत्री तो ये कहते थे कि उस जगह पे वापस जो है मस्जिद बनाएंगे। ये सारी चीज़ें राजनीतिक स्तर पे, कोर्ट पे, ये चीज़ें अपना अलग हो रही थी, लेकिन इन पिलर्स को बनाने का काम जो है बिल्कुल एक जज्बे को तो सलाम करना चाहिए। और इसलिए ये मंदिर इतना जल्दी ये तैयार हो रहा है और इतना फास्ट, क्योंकि अब जो कुछ भी ये पिलर्स जो बचे हुए हैं, जो बड़े बड़े पिलर्स जो थे और जो जिनको मेन स्ट्रक्चर में लगना था, दीवारों में लगना था, वो सारे जो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर तक का माल जो है यहाँ से वो जा चुका है। अब ये शिलाएं, और मैं आपको एक बात और बताऊं, पहले ये पिलर्स यहाँ पे नहीं होते थे, ये पिलर्स जो है यहाँ पे नहीं होते थे, यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे ईंट हुआ करती थी और ईंट पे लिखा हुआ होता था जय श्री राम। ये ईंट सबसे पहले जो मंदिर जो बन रहा है वहां उसका इस्तेमाल किया गया। ये वो ईंट है जो देश विदेश हर जगह से राम भक्तों ने यहाँ पे भिजवाया था कि ये इन ईंटों से मंदिर का निर्माण हो, लेकिन ईंटों का इस्तेमाल तो किया गया। लेकिन अब ये जो नया स्ट्रक्चर जो बना है ये तो दरअसल ये समझिए कि एक इंजीनियरिंग की, लोगों की प्लानिंग की एक बेहद ही नायाब सा नमूना है कि आपने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। मुझे लगता है कि वो मेहनत ही है जिसका रंग नजर आया है कि पहले से सब कुछ तैयार था, कई पत्थरों को तराशे जा चुके थे और आज उसका नतीजा ये है कि हमें रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि मंदिर निर्माण जो है वो तेजी से हो रहा है, उसमें सहायता मिल गई होगी कि पहले से काम किया गया है, ज्यादा मेहनत। और मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्वीरें आप अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बारीकी से एक एक जगह पे बाकायदा आप मिस्टेक नहीं कर सकते। इस पूरे पिलर में जो चीजें बनाई जा रही है अगर एक जगह भी आपने गलत जगह मार दिया, पत्थर टूट जाता है या कुछ डिजाइन में फॉल्ट आ जाता है तो ये पूरा का पूरा पिलर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इतनी बारीकी से यहाँ के कारीगर लगातार वो काम कर रहे हैं,
तो ये उसका नतीजा है कि आप देखिए कि दुनिया भर में ये विख्यात होने वाला मंदिर हमारे सामने है। तो जो जिन लोगों ने इस कार्यशाला में मेहनत की, जिन लोगों ने इस कार्यशाला को सतत निराशा में बीच में आने के बावजूद उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया और जो लगातार ये काम चलता रहा, उस वजह से एक उनके लिए अभिनंदन करने की आवश्यकता है कि इन लोगों की वजह से आज ये मंदिर जो है। तभी पीएम मोदी हर बार ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं भूलते, चाहे वो वाराणसी में मंदिर का निर्माण हो, हमेशा जो लोग काम करते आए हैं, मेहनत करते आए हैं, उनको सबसे पहले पीएम मोदी। और आप देखिए, आपने तो बहुत सारी महिलाओं से भी आपने बातचीत की, बहुत ही गरीब परिवार से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के से अगर आप बात करेंगे या फिर मंदिर में जो निर्माण हो रहा है जो कारीगर, उनसे अगर आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि उनका जीवन धन्य है कि वो प्रभु श्री राम के लिए कुछ काम आ रहे हैं। कहते हैं कि इससे बड़ी कमाई तो कुछ है ही नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना तो कई सारी चीजें हैं। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे कुछ भी इस कार्यशाला को चलाने में, ये 30 साल से जो ये कार्यशाला जो चल रहा था, उसमें जो भी भूमिका दी है, उनको नमन करने की आवश्यकता है कि आपने विश्वास नहीं खोया, इसलिए ये मंदिर इस तरीके से बन पाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो वाकई में मेहनत, लगन और विश्वास, ये तीन चीज ऐसी है जिसे जोड़कर देखा जाए तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि लगातार 2400 घंटे यहाँ पे कारीगर मेहनत कर रहे हैं लगन के साथ, और विश्वास किसी ने नहीं खोया, और ये कार्यशाला उसकी गवाही है, क्योंकि 1992 से लगातार यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के लोगों ने ये विश्वास बनाए रखा कि आज नहीं तो कल राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। तो मेहनत उन लोगों ने उसी समय से कर दी, और आज उस मेहनत का ये फल है, ये नतीजा है कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और लगातार अयोध्या के इस कार्यशाला में काम चल रहा है, यहाँ से पत्थरों को लगातार भेजा जा रहा है, और जितनी जल्दी जल्दी पत्थरों को भेजा जा रहा है, मंदिर के निर्माण में उतनी तेजी ही आ रही है। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।